नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बीजेपी फैसला कर चुकी है कि यहां पर अब कोई भी सीएम चेहरा आने वाले राज्यों के चुनावों में नहीं उतरेगा। विधानसभा चुनाव में किसी भी सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व होगा या फिर एकजुट नेतृत्व यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करता हुआ नजर आएगा, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। यानी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पूरी बीजेपी के पास एक ही स्टार कैंपेनर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके चेहरे पर ही विधानसभा जीतने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या देखा जा रहा है, शिवराज सिंधिया खेमा पहले से ही आपस में भिड़ रहा है, क्योंकि सिंधिया खेमा के लोग लगातार कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। 2018 आपको याद होगा कि किस तरीके से कमलनाथ जीत जाते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं और बीजेपी और शिवराज सिंह के हाथ हताशा ही आती है। लेकिन 2020 में एक बड़ा गेम खेला जाता है, सिंधिया बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं और यहां पर सरकार वापस से शिवराज सिंह चौहान की बन जाती है, और उसी के बाद से यह गठजोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और अब समय आ गया है 2023 के चुनाव का, जहां पर सिंधिया खेमा लगातार ये गुहार लगा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो MP के महाराज हैं, उनको CM चेहरा यहाँ पर खड़ा किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या फैसला बीजेपी ने किया कि सीएम चेहरा ही नहीं उतरेगा, यहाँ पर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वही यहाँ बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर विराम जो है अब इस पूरे विवाद पर लग चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर एक नया संग्राम हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान फ्रंट पर रहेंगे कि सिंधिया फ्रंट पर रहेंगे। और लगातार सिंधिया खेमा नाराज है, इसलिए वापस धीरे धीरे करके कांग्रेस खेमे में जो है उनकी एंट्री वापस से हो रही है। और जब से सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की संसद से जो फोटो सामने आई है, उसके बाद तो विवाद और भी बढ़ गया है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।